नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शुक्ला आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल ए टू जेड बैंकिंग इन्फॉर्मेशन पर। दोस्तों, आज के वीडियो में हम आपको भारत सरकार की एक ऐसी योजना की जानकारी देने वाले हैं जो भारत सरकार की बहुत ही महत्वाकांक्षी योजना है। इसे वर्ष 2015 में सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत शुरू किया था और इस योजना का जो मुख्य उद्देश्य था वो यह था कि बेटी के माता पिता या बेटी के अभिभावक बेटी को बोझ ना समझे, बेटी की शादी ब्याह के समय सरकार के द्वारा उन्हें एक ऐसा अमाउंट मिल जाए, इतना पैसा उन्हें मिल जाए कि ना ही उनको अपनी कोई प्रॉपर्टी बेचनी पड़े, ना ही उनको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, वो अच्छे से उसका शादी ब्याह कर सके। इसके अलावा अगर आप अपनी बेटी को उच्च शिक्षा देना चाहते हैं तो उसमें जो भी 2 लाख 4 लाख 5 लाख रुपए का खर्च आने वाला है तो उसके लिए भी आपको किसी के आगे हाथ फैलाना पड़े, आपको अपनी कोई प्रॉपर्टी न बेचनी पड़े, इसलिए सरकार ने इस योजना का शुभारंभ किया था। यानी बेटी को कोई भी बोझ ना समझे, सरकार का ये उद्देश्य था। तो जो लोग जानकार हैं, जो लोग जागरूक हैं, उन लोगों ने तो इस योजना का लाभ लिया है, उन लोगों ने अपनी बेटी का नामांकन इस योजना में करा दिया है। लेकिन नाम तो आप में से बहुत सारे लोगों ने सुना होगा सुकन्या समृद्धि योजना का, लेकिन जो अब भी इसका जो लाभ लेने का दर है वो बहुत कम है, यानी बहुत कम लोगों ने इस योजना में अपनी बेटी का नामांकन कराया है। तो मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग, अगर आपके घर में भी बेटी है और उसकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो आप जरूर अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा दीजिए, क्योंकि इसमें 2-3 ऐसी चीजें हैं जो आपको कहीं भी नहीं मिलने वाली। पहली चीज, आपको इसमें जो भी मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है वो पूरा का पूरा टैक्स फ्री होता है, आपको उसमें एक पैसे का भी कहीं कोई टैक्स नहीं देना है, भले ही वो आपका अमाउंट 70 लाख रुपए क्यों ना हो। दूसरी चीज दोस्तों, जितना भी पैसा आप सुकन्या समृद्धि योजना में इन्वेस्ट करेंगे वो पैसा आपको 80C सेक्शन के अंतर्गत टैक्स रिडक्शन में भी राहत मिल जाती है। तो अगर आपकी इनकम ऐसी है कि आप टैक्स पेयर के दायरे में आ रहे हैं तो भी आप सुकन्या समृद्धि योजना में पैसा जमा करके आप टैक्स पेयर से बच सकते हैं। तो यहां पर भी आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत छूट दी जाती है, तो दोनों तरफ से आपको छूट मिल जाती है। एक तो जो पैसा आप जमा करेंगे वो आपका इसमें से कट जाएगा, डिडक्शन आपको मिल जाएगा, और दूसरी चीज होती है जो मैच्योरिटी आपको मिलेगी वो पूरी की पूरी टैक्स फ्री होगी। जबकि अगर आज के समय में आप कोई भी FD करवाते हैं या RD करवाते हैं तो वहां से आपको जो भी मैच्योरिटी मिलती है उसमें 10% 20% TDS कट जाता है, तभी आपको मिलता है। तो यहां पर यह राहत आपको दी गई है कि आपको एक भी पैसा यहां पर टैक्स के रूप में नहीं देना है। दोस्तों, इसमें जो दूसरा सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि आज के डेट में आप कहीं भी कोई भी FD कराएंगे तो आपको 6-7.5% ब्याज मिलेगा। लेकिन दोस्तों, सुकन्या समृद्धि योजना में आपको जो ब्याज दर दी जा रही है वो 8% की है, तो बहुत ही हायर इसमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है वो सबसे हाईएस्ट होता है। सबसे जो हाईएस्ट रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो सुकन्या समृद्धि योजना की है। आज की डेट में जो सुकन्या समृद्धि योजना की ब्याज दर है वो 8% वार्षिक है। तो कुल मिलाकर के ना ही आपको किसी FD में इतना ब्याज मिलने वाला है, ना ही किसी RD में इतना ब्याज मिलने वाला है जितना ब्याज आपको सुकन्या समृद्धि योजना से मिलता है। तीसरी चीज दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि यह पूरा का पूरा रिस्क फ्री होता है, क्योंकि आपका ये पैसा भारत सरकार के पास जमा होता है, तो इसलिए इसमें आपको जरा भी रिस्क नहीं है कि हमारा पैसा डूब जाएगा। अब दोस्तों, हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना है क्या, इसमें कौन कौन से लोग अपना नामांकन करा सकते हैं, कितनी बेटियों का करा सकते हैं, कौन लोग इसके लिए पात्र होते हैं, क्या जरूरी कागजात लगते हैं, वही कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलता है, कितना पैसा आपको जमा करना होता है, कितने दिनों तक जमा करना होता है और क्या मैच्योरिटी मिलती है, सारी कंडीशन हम आपको इस वीडियो में आज बताने वाले हैं। बस आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू कर लेते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की पात्रता शर्तों की, कि कौन कौन से लोग इसके लिए पात्र होते हैं, आप कितनी बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना की जो पहली शर्त सरकार के द्वारा रखी गई है वो यह है कि आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से कम होनी चाहिए, तभी आप सुकन्या समृद्धि योजना में उसका नामांकन करा पाएंगे। अगर आपकी बेटी की उम्र 10 वर्ष से अधिक हो गई तो आप सुकन्या समृद्धि योजना में अपनी बेटी का नामांकन नहीं करा पाएंगे। दोस्तों, दूसरी चीज ये है कि यहाँ पर आप अधिकतम अपनी 2 बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। अगर आपके घर में 3 बेटी है तो आप अधिकतम 2 का ही करा सकते हैं, 3री बेटी का नहीं करा सकते हैं। यहाँ पर एक दूसरी शर्त यह रखी गई है कि अगर आपने 1 बेटी का पहले से सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा रखा है और उसके बाद में आपको एक साथ 2 जुड़वा बेटियां हो जाती हैं, उस दशा में उन दोनों जुड़वा बेटियों का भी सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। यानी उस दशा में आप 3 बेटियों का सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। लेकिन अगर आपके सिंगल 3 बेटियां हैं, उस दशा में आप अधिकतम 2 बेटियों का ही सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं।
अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं जरूरी दस्तावेज की, किस अगर आप कराना चाहते हैं तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं इसमें साधारण से, जैसे कि बेटी का जन्म प्रमाण पत्र, जहां भी बेटी का जन्म होता है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हुआ है तो वहीं से आपको जन्म प्रमाण पत्र मिल जाता है। अगर वहां पर नहीं बना है या घर पे जन्म हुआ है तो उस दशा में आप जिस भी राज्य से है, राज्य सरकार के द्वारा एक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाता है, आप वो बनवा सकते हैं। 7 से 8 दिन में आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो आपको 7 से 8 दिन में मिल जाता है। तो यहाँ पर आपको बेटी का जन्म प्रमाण पत्र देना होता है और बेटी की 2 पासपोर्ट साइज की फोटो देनी होती है। उसके अलावा दोस्तों माता पिता या कानूनी अभिभावक जो भी उसका नामांकन करा रहा है सुकन्या समृद्धि योजना में, उसका भी 2 पासपोर्ट साइज का फोटो लगेगा, आधार कार्ड की फोटोकॉपी, पैन कार्ड की फोटोकॉपी। बस दोस्तों इतने ही डॉक्यूमेंट लगने हैं, आपकी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन हो जाएगा। तो अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपने सब कुछ तैयार कर लिए हैं, आपने मन बना लिया है सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन कराने का, तो आप कहां पर जाकर के सुकन्या समृद्धि योजना का नामांकन करा सकते हैं। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं सुकन्या समृद्धि योजना का नामांकन कराने के लिए देश भर में जितने भी पोस्ट ऑफिस है, यानी जितने भी डाकघर है, आप किसी भी डाकघर में जाकर के, डाकघर की किसी भी शाखा में जाकर के आप अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देश के जितने भी राष्ट्रीयकृत बैंक है, यानी जो भी कमर्शियल बैंक है, चाहे वो पंजाब नेशनल बैंक हो, स्टेट बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, बैंक ऑफ इंडिया हो, सेंट्रल बैंक हो, ये जितने भी बैंक हैं, आप इनमें से भी किसी भी बैंक में जाकर के अपनी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा सकते हैं। और आप अगर आपका खाता भी उसी बैंक में है तो आप उसे ऑटो लिंक भी कर सकते हैं आपके खाते से, अपने आप जितना भी प्रीमियम आप बताएंगे उतना आपके खाते से ऑटो डेबिट हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं देश के कुछ प्राइवेट बैंक भी हैं, जैसे कि HDFC बैंक हो गया या फिर अन्य कई भी बैंक हैं जो कि सुकन्या समृद्धि योजना के लिए अधिकृत हैं। आप उन बैंकों में जाकर भी सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा सकते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले बताया कि पूरी तरह से रिस्क फ्री है, यानी 100% मैच्योरिटी आपको मिलनी है और गारंटी के साथ मिलनी है, क्योंकि यह पैसा भारत सरकार के पास जमा हो रहा है। तीसरी चीज, इसकी जो ब्याज दर है वो सबसे ज्यादा होगी, ना ही आपको किसी FD पर मिलेगी और ना ही किसी RD पर मिलेगी। तीसरी चीज, पूरा पैसा आपका टैक्स फ्री होगा, आपको एक पैसे का टैक्स नहीं देना है, चाहे अमाउंट आपका 70 लाख हो या 75 लाख रुपए हो, एक भी पैसा आपको टैक्स नहीं देना है। और चौथी चीज, आपको ATC सेक्शन के अंतर्गत आपको टैक्स डिडक्शन में भी 1.5 लाख रुपए की राहत मिल जाएगी। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं, अगर आपने सुकन्या समृद्धि योजना का खाता खुलवा लिया है तो अब आपको कितने रुपए प्रतिमाह प्रीमियम जमा करना होगा। तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं, इसमें आप मिनिमम वर्ष में सिर्फ 250 रुपए जमा करके भी अपने बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक्टिव रख सकते हैं। जी हाँ, वर्ष में सिर्फ आपको 250 रुपए जमा करने हैं, आपकी बेटी का सुकन्या समृद्धि योजना का खाता एक्टिव बना रहेगा। अगर आप वर्ष में 250 रुपए भी जमा नहीं करते हैं उस दशा में आपकी बेटी का जो खाता है वो इनएक्टिव हो जाएगा। तो और अधिकतम आप एक वर्ष में 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं और ये 1.5 लाख रुपए को आपको टैक्स डिडक्शन में भी राहत मिल जाएगी। तो आप अधिकतम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हैं एक बेटी के नाम में और आप मिनिमम 250 रुपए प्रति वर्ष जमा करके भी इस खाते को संचालित कर सकते हैं। दोस्तों बहुत अच्छी योजना है, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं हाथ जोड़ करके, अगर आपके घर में भी एक बेटी है और उसकी उम्र 10 वर्ष से कम है तो दोस्तों जरूर आंख बंद करके आप सुकन्या समृद्धि योजना में नामांकन करा दीजिए उसका, ताकि जब उसको उच्च शिक्षा के लिए पैसों की आवश्यकता हो तो आपको किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े, आपको कोई अपनी प्रॉपर्टी न बिगाड़नी पड़े, आपको एक ऐसा अमाउंट मिल जाएगा भारत सरकार की तरफ से जिससे आप बेटी को उच्च शिक्षा भी दे पाएंगे और उसकी शादी ब्याह के लिए आपको एक ऐसा अमाउंट मिल जाएगा जिससे आप अच्छे से उसका शादी ब्याह कर पाएंगे, आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहेंगे तो कम से कम 1000 रुपए महीने तो आप बचा ही सकते हैं और इस बेटी के नाम में डाल सकते हैं। दोस्तों न करना एक अलग बात है, लेकिन अगर आप चाहेंगे तो कर पाएंगे, 1000 रुपए कोई बहुत नहीं होते हैं। आप अगर चाह लेंगे तो 1000 रुपए महीने अपनी इस बेटी के नाम सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में डाल सकते हैं। और दोस्तों अगर आपने डालना शुरू कर दिया तो दोस्तों हम आपको बताना चाहते हैं जब इसकी आपको मैच्योरिटी मिलेगी तो लगभग होगी 5.5 लाख रुपए। आज की डेट की मैं रेट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहा हूं, आज 8% ब्याज दिया जा रहा, तो आपको लगभग 5.5 लाख रुपए मिलेंगे। वह अगर इसकी ब्याज दर बढ़ गई, जैसे कि आज के 2 साल पहले इसकी ब्याज दर ज्यादा थी कोरोना के टाइम से पहले, तो आपको अमाउंट जो मिलता वो 7,70,000 के आसपास मिल रहा था पहले। तो अगर ब्याज दर यहां पर बढ़ेगी तो आपको निश्चित रूप से अमाउंट बढ़ करके मिलेगा, अगर ब्याज दर थोड़ा घटती है तो कुछ अमाउंट आपका घट सकता है, लेकिन ब्याज दरें अब बढ़ेंगी घटेंगी नहीं, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। अगर आपको ज्यादा ब्याज मिल जाता है तो दोस्तों यहां पर ब्याज दर अगर बढ़ेगी तो आपका मैच्योरिटी अमाउंट भी बढ़ेगा। लेकिन दोस्तों मैं आपसे कहना चाहता हूं कि मान लीजिए नहीं भी बढ़ता है तो 5.5 लाख रुपए कम नहीं होते हैं, और दोस्तों ये पैसा आपको 15 वर्षों तक जमा करना है, यानी 1000 रुपए आपको प्रतिमाह 15 वर्षों तक जमा करना है। 15 वर्षों तक आप जमा करें, और दोस्तों इसमें एक अच्छी चीज ये भी है
आपके पास इस महीने 1000 रुपए है तो डाल दीजिए, अगले महीने आपके पास नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके अगले महीने है तो आप 2000 डाल दीजिए, इस तरह से करके। मान लीजिए आपने सिर्फ, आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि वर्ष में आपको एक बार कम से कम 250 डाल देने हैं तो खाता एक्टिव बना रहेगा। बाकी आपके पास इकट्ठे 10000 आ जाए तो आप इकट्ठे भी इसमें 10000 डाल देंगे। कुल मिलाकर के आप इसमें जितना पैसा डाल देंगे उस हिसाब से आपको उतना ज्यादा मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। मैंने आपको बताया कि मिनिमम आप एक वर्ष में 250 भी डाल सकते हैं और अधिकतम 1,50,000 रुपए भी इस खाते में डाल सकते हैं। जितना पैसा आप इस सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में डाल देंगे उस पर आपको ब्याज भी मिलेगा और उसमें आपको सेक्शन 80C के अंतर्गत टैक्स डिडक्शन में भी राहत मिल जाएगी। तो कुल मिलाकर के 15 वर्षों तक आपको पैसा जमा करना है, आप जितना चाहे 100, 200, 500, 1000, 2000, 5000 जैसी आपकी इनकम हो आप उस हिसाब से प्रतिमाह अपने इस खाते में डालते रहिए बेटी के नाम पर। और उसके बाद जब 15 वर्ष पूरे हो जाएंगे पैसा जमा होना बंद हो जाएगा, फिर 6 वर्षों तक आपको इंतजार करना है, योजना के जैसे ही 21 वर्ष पूरे होंगे आपको मैच्योरिटी दे दी जाएगी, यानी आपकी बेटी की मैच्योरिटी आपको मिल जाएगी जो कि टैक्स फ्री होगी। तो दोस्तों अगर आप 1000 रुपए भी प्रतिमाह के एवरेज से जमा करते हैं तो आपको लगभग 5.5 लाख रुपए मिलेंगे, वहीं अगर आप 2000 रुपए प्रतिमाह की एवरेज से जमा करते हैं तो आपको लगभग 11 लाख रुपए मिलेंगे। इसी तरह से अगर आप 5,00,000 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं तो लगभग आपको 27 से 28 लाख रुपए मिलेंगे मैच्योरिटी होने पर। दोस्तों यहां पर बीच में पैसा निकालने की एक शर्त रखी गई है कि आप चाहते हैं अगर कि बीच में ही हम पैसा निकालना चाहते हैं, पूरे 21 साल वेट नहीं करना चाहते हैं, तो जो भी आपका मैच्योरिटी अमाउंट होगा उसका 50% अमाउंट आप बीच में विड्रॉल कर सकते हैं। लेकिन यहां पर एक शर्त रखी गई है, शर्त ये रखी गई है कि या तो आपकी बेटी ने हाई स्कूल पास कर लिया हो तो आप 50% अमाउंट विड्रॉल करके उसकी उच्च शिक्षा के लिए पैसा लगा सकते हैं, या फिर आपकी बेटी ने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली हो। अगर आपकी बेटी ने 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर ली है तब भी आप 50% अमाउंट विड्रॉल कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के इन दो शर्तों में से अगर कोई एक शर्त आपकी बेटी पूरी कर चुकी है तो आप इस योजना में जो भी आपको मैच्योरिटी मिलनी है, मान लीजिए अगर आपको 10 लाख रुपए की मैच्योरिटी मिलनी है तो आप 5 लाख रुपए बीच में ही विड्रॉल कर सकते हैं, लेकिन इन दो में से कोई एक शर्त अगर आपकी बेटी पूरी कर रही है तो। तो दोस्तों बहुत अच्छी योजना है, आप इसमें अपनी बेटी का नामांकन अवश्य कराएं। अब दोस्तों हम आपको एक कैलकुलेटर के माध्यम से समझा देते हैं कि अगर आप सुकन्या समृद्धि योजना में 1000 जमा करते हैं या 500, अगर आप 500 रुपए भी प्रतिमाह जमा करते हैं तो लगभग आपको 2,70,000 रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिल जाएगा, वहीं अगर आप सिर्फ 250 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं तब भी आपको लगभग 1,35,000 रुपए मिल जाएगा मैच्योरिटी अमाउंट। और दोस्तों इस तरह से अगर आप 12,500 रुपए प्रतिमाह जमा करते हैं दोस्तों आपको 67 से 68 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा जो कि बिल्कुल ही टैक्स फ्री होगा। तो अगर आपकी इनकम अच्छी खासी है, आप वर्ष में 1.5 लाख रुपए सुकन्या समृद्धि योजना के खाते में जमा कर सकते हैं तो आपको 67 से 68 लाख रुपए मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा। मैं आपको ले चलता हूं एक कैलकुलेटर पर जो कि सुकन्या समृद्धि योजना का कैलकुलेटर है, उसमें मैं आपको प्रीमियम डाल करके दिखा देता हूं कि आप कितना पैसा जमा करेंगे तो आपको कितना मैच्योरिटी अमाउंट मिलेगा, आपका कितना जमा होगा, ब्याज कितना मिलेगा, टोटल मैच्योरिटी कितनी मिलेगी, सब कुछ मैं आपको विस्तार से यहां पर कैलकुलेटर के माध्यम से समझा देता हूं। दोस्तों आशा करते हैं आप लोगों को जानकारी पसंद आई होगी, अगर जानकारी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए हैं पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे हम इस तरह का कोई भी दूसरा वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में किसी अगले इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।